नक्शबंदी परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना अमीन सफदर मुकाडमी रहमतुल्लाह अलैह एक हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि हम तीन दोस्त थे, हम मदरसे से फारिग हो गए तो हमने सोचा कि हम किसी अल्लाह वाले से अपना बैत का ताल्लुक कायम करते हैं। फरमाते हैं कि उस वक़्त हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत नाम था, तो हमने सोचा कि हम हज़रत के पास जाते हैं। और फिर फरमाते हैं कि जाते हुए हमने सोचा कि चलो हम हज़रत का कुछ इम्तिहान भी लेंगे, कुछ इम्तिहान भी लेंगे। फरमाते हमने पैसे जमा किए तो वो हलाल के थे, कुछ हमने कहीं से हराम के सूद के पैसे दो तीन पैसे भी हमने ले लिए, हमने दोनों पैसों से सेब खरीद लिए और फिर उन दोनों को मिक्स कर दिया, शॉपर में डाल दिया। कहते हम लेके लाहौर पहुंचे, हजरत से मुसाफा हुआ और सलाम दुआ के बाद हमने कहा हजरत ये हदिया है। हजरत ने फरमाया कि मौलाना ये हदिया है या इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। सुनो जरा, ये दिल जब साफ हो जाता है तो फिर इस दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की नजर पड़ती है, फिर मले आला की बातें इस पर अल्लाह इल्का फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत ने फरमाया कि मौलाना ये हदिया है या इम्तिहान है। अब परेशान हो गए। हज़रत ने उस शापर में से सेब निकाले, कुछ को दाएं तरफ रखा, कुछ को बाएं तरफ रखा। फरमाया मौलाना ये आपके हलाल के पैसों के हैं, ये आपके हराम के पैसों के हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हमारे तो पसीने छूट गए, हमारी बात तो पूरी हो गई जो हम देखना चाहते थे। हमने हज़रत ने फरमाया ये ले जाओ, ये तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो गया। कहते हमने अर्ज किया हज़रत हमें बैत फरमा ले। फरमाया नहीं मौलाना, आप बैत होने नहीं आए थे, आप तो मेरा इम्तिहान लेने आए थे। अल्लाह अकबर। मैं आपको बैत नहीं करूंगा। अब मेरे अजीजों वापस भेज दिया। फरमाते मैं स्टेशन तक चला गया, मेरे दो साथी तो वापस चले गए मगर मैं फिर वापस आ गया। मैंने कहा हजरत अब मैं बैत होने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अपने बंदों को ऐसा नूर फिरासत अता फरमा देते हैं। ये किस वजह से मिलता है? ये कल्ब के ऊपर मेहनत करने से मिलता है। सुभान अल्लाह। और हदीस मुबारक है, मेरे महबूब सल्लम फरमाते हैं इत्तकु फिरासत अल-मुमिन फइन्नहु यंदुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरा करो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अकबर। और मेरे दोस्तों मेरे अजीजों कभी भी हम अल्लाह वालों को आजमाने की कोशिश ना किया करें। याद रखो अगर हम किसी की आजमाइश करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह फिर हमें आजमा लेगा, और जब अल्लाह आजमाता है तो फिर कोई बंदा भी उनके आजमाइश पर पूरा नहीं उतर सकता है। तो इसलिए बस गुलामी में आओ, गुलामी इख्तियार करो और आके अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हासिल करो। जी हाँ, जो उनके पास होता है। सुभान अल्लाह।